सो गाइस, दिस वीडियो इज़ अबाउट गाय को नहलाने में कितना टाइम लगता है और कितना पानी लगता है। तो हमने थोड़ी देर के लिए गाय को छोड़ दिया है चरने के लिए और काफ़ी धूप थी इसलिए भाई ने इसको जल्दी ही बांध भी दिया। तो अब ये गाय नहाने के लिए एकदम तैयार है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो मम्मी गई है पानी लाने के लिए। हम बाल्टी से नहलाते हैं गाय को। तो मम्मी अब इसके ऊपर पानी डाल रही है क्योंकि काफ़ी गर्मी है और आज इसका इंसेमिनेशन भी हुआ है इसलिए भी काफ़ी गर्मी है, इसलिए इसको नहलाना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे नहलाते हैं। मेनली जब आप गाय को नहलाते हैं तो आप जो गाय का जो पीछे का हिस्सा होता है यानी पूंछ, पैर और जो थन होते हैं उसे आपको अच्छे से धोना होता है क्योंकि वहाँ पे गोबर लगा होता है और दूध निकालने से पहले भी आप अगर उसको धोते हैं तो अच्छा होता है। और एक और ख़ासियत होती है गाय की जो कि आपने ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे कि नहाने से पहले ये बाल्टी देखते ही वो पेशाब और गोबर कर देती है और नहाते टाइम भी वो काफ़ी 2 से 3 बार करती ही है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। और एक और खासियत है जब आप गाय को नहलाते हैं तो एक जो काली गाय होती है उनको काफ़ी गर्मी लगती है और जो सफ़ेद गाय होती है वो नहाना इतना कुछ खास प्रेफर नहीं करती जितने काली गाय प्रेफर करती है। तो इसको यूजली हम सर्दियों में तो नहीं नहलाते हैं पानी से, तो ब्रश से इसकी सफाई कर देते हैं। जो कपड़े धोने की ब्रश आती है उससे सफाई कर देते हैं क्योंकि नहाना प्रेफर नहीं करती है और सर्दी भी लगती है उनको सर्दियों में। और गर्मियों में इसे पानी से नहलाते हैं। और जो एक और बात मैंने नोटिस की है कि जो गाय होती है उन्हें अपना मुंह धुलवाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे वो सफ़ेद गाय हो या फिर काली गाय हो, इनको अपने मुंह पे पानी डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व। और आप देख सकते हैं कि कितनी 7-8 बाल्टियों से मम्मी ने इसको नहला दिया और ये कितनी खुश लग रही है। तो यूजुअली दूध निकालने से पहले मम्मी इसको नहला देती है और मम्मी चेक करे कि अभी भी ये काफ़ी गर्म है, तो मम्मी और पानी लाने गई है इसको नहलाने के लिए क्योंकि पशु भी काफ़ी परेशान हो जाता है गर्मी में और उनको कीचड़ भी बिल्कुल नहीं पसंद। अब इसको नहलाने के बाद मम्मी उसको दूसरे ठान पे बांधेगी क्योंकि इनको गीला भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।